सूरा अल आराफ की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता कि जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लेते हैं, उसको थाम लेते हैं और नमाज उम्दगी से अदा करते हैं, तो फिर फरमाता अल्लाह पाक कि हम यकीनन इसलाह करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते। हकीम साहब आपके सामने अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर की बात कर रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आते हैं वो सिर्फ़ सालहीन बनाने के लिए नहीं आते, उनका ये सिर्फ काम नहीं कि लोग अपनी ज़िंदगी में नेक बन जाएं, बस ख़त्म हो गया मामला, बल्कि मुसलहीन, यहाँ जो आया कि मुसलहीन का अगर हम ज़ाय नहीं करते, इसलाह करने वाले, दूसरों को ठीक करने वाले। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो उम्मती होते हैं, जो ईमान लाते हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे महकमा सेहत के अमला के लोग। उनका काम सिर्फ ये नहीं कि वो अपना इलाज करें और ठीक रहें, ये भी उनकी जिम्मेदारी कि कहीं वबा फूटे फौरन वहाँ पहुँचें और उस बीमारी की रोकथाम की कोशिश करें, माशरा को बुराइयों से बचाएँ। अब ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, मुशाहदा भी है कि इंसान चूँकि मुख्तार है इसलिए लोग बद परहेजियाँ करेंगे। जैसे जिस्मानी दुनिया में लोग बद परहेजियाँ करते हैं, बीमार होते हैं, तो उनके लिए फिर डॉक्टर हज़रात और मारिज, इसी तरह गुनाह भी जो है अखलाकी बद परहेजियाँ, ये भी रोका तो नहीं जा सकता। जो लोग बिगड़ना चाहते हैं बिगड़ सकते हैं, अल्लाह ने इंसान को मजबूर तो नहीं पैदा किया कि ये जकड़ कर इसको नेकी पर चलाया जाए। बहुत से लोग बुराई की तरफ चले जाते हैं, बुराई है भी आसान। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इम्तिहान की खातिर बुराई को आसान रखा है, नेकी है मुश्किल। अल्लाह ताला इसको कहता फलकता मलाकबा, जैसे पहाड़ की होती ना चढ़ाई, नेकी ऐसी मुश्किल, घाटी चढ़ना बहुत मुश्किल, खड्ड है इसके साथ। और ये बात ऐन फितरत के मुताबिक और माकूल है। जो लोग कहते हैं अल्लाह का दीन तो आसान होना चाहिए, तो आसान है कि उसने खाम खा की पाबंदियाँ नहीं आज की, मगर मुश्किलात हैं इस दुनिया में, माहौल का दबाव, इंसान की अपनी ख्वाहिशात, ये रुकावट है, इसलिए मुश्किल बनाया गया। तो एक मरतबा मोहतरम डॉक्टर फैजुल्लाह साहब ने बात की तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर ये बना दिया जाए कि गलत काम करना जो है ये आसान, ये मुश्किल हो और नेकी आसान हो, फिर तो सब लोग नेकी की तरफ दौड़ेंगे। फिर इनाम के ये कैसे मुस्तक, क्या इन्होंने कारनामा किया, आसान काम किया। ये ऐसे ही है जैसे मैदान जंग से भगौड़ों के लिए अगर तमगा निशाने हैदर बना दिया जाए कि जो भाग जाएगा उसको निशाने हैदर मिलेगा। आप ही बताएं ये अकल की बात हो, जो जमे रहते हैं मरते हैं मुल्क मिलत के लिए उनको तमगा मिल, मुश्किल काम, पहाड़ की चढ़ाई जो लोग ऐसा करते हैं जाकर चोटी पर झंडे गाड़ते हैं, उन सयाहों को लोग याद करते हैं कि बड़ा काम किया यारों, और नीचे गिरना को मुश्किल है, आप पाँव ढीले करें खड्ड में गिर जाएंगे। तो जो भी देखेंगे ना आप, काम आला होगा दुनिया का या आखिरत का, मुश्किल होना ज़रूरी है, यही इम्तिहान है। तो इसलिए नेकी की तरफ लोग कम जाते हैं, बुराई की तरफ भागते हैं। खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा इंजील मुकद्दस में आता कि नेकी की राह तंग है और उस पर चलने वाले थोड़े, ये मुश्किल रास्ता अल्लाह ने बनाया, इस पर बहुत थोड़े लोग चलते हिम्मत वाले, और बदी की राह फराख है उस पर चलने वाले बहुत। ये तो जरनेली सड़क है बुराई, कोई यहाँ मुश्किल नहीं, अपनी मन मर्जी करते जाओ, बस गुना जो जीत में आया कर लिया, ख्वाहिशात की पैरवी यही गुना, जकड़ कर अपने आप को रखना ये नहीं करना ये नहीं कर ये नहीं। तो इसलिए नेकी जो है मुश्किल, इधर कम लोग आते हैं। और ये बीमारी अल्लाह ताला के इल्म में ही थी कि लोग बिगड़ेंगे भी, फरिश्तों ने भी तवज्जो दिलाई थी, अल्लाह ने कहा ठीक है मैं कब कहता हूँ नहीं बिगड़ेंगे। अब जैसे ज़ाहरी दुनिया में ये डॉक्टर हजरात जो हैं ये ज़रूरी हैं, इसी तरह अल्लाह के नबियों की उम्मतों को अलर्ट रहना चाहिए। वो महकमा सेहत है, वो देखें कहीं खराबी पैदा, खराबी तो होगी ज़रूर पैदा, फरिश्ते नहीं इंसान बनेंगे, मगर उसकी रोकथाम करें, हैज़ा फैल रहा तो टीके लगाएं, उनको बचाने की कोशिश करें। ये है वो फरीज़ा जिसको अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का, जब तक ये उम्मतें करती रहती ना महकमा सेहत होशियार रहता, अगर कहीं खराबी होती भी है तो वो आम नहीं होती, वहीं उसको दबा दिया जाता। और जब इस बारे में लोग सुस्ती करते हैं, रहबानी तसव्वुर पैदा हो जाता कि हमें क्या, लोग क्या करते हैं, हम इस पराए मामले में क्यों दखल दें, इसने क्यों टांग अड़ाएं, तबाही शुरू हो जाती।
ये आराम से हुजरों में बैठ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे, उम्मत बिगड़ती जाती है। और फिर एक दिन आता कि इतना जोरदार सैलाब आता कि इनके हुजरों की दीवारें भी गिर जाती हैं और ये भी साथ ही बह जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं, बच कोई नहीं सकता। वो मिसाल जो किन साहब ने पढ़ी, हुजूर ने बहुत उम्दा दी कि एक ही कश्ती में सवार है, कुछ ऊपर के हिस्सा में है, कुछ नीचे। ऊपर वाले जो हैं वो उलमा हैं, हुक्मरान हैं, जिम्मेदारान हैं, माँ बाप हैं, जो भी कोई असर रसूल रखता वो है ऊपर बैठे हुए। नीचे वाले अगर वहाँ ही सुराख करना शुरू कर दें कि ऊपर से होकर क्या पानी लेना, यहाँ ही सुराख कर लेते हैं, आराम से यहाँ ही पानी आ जाएगा। तो कश्ती में जब पानी आएगा और ऊपर वाले तमाशा देखते रहें तो डूब जाएंगे सारे, मर जाएंगे। अगर पकड़ लिया इनको कि हम नहीं सुराख करने देने, सारे बच गए। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कौल नहजुल बलागा इतना ऊंचा है, फरमाते हैं वमल जिहाद फी सबिल्लाह वमल बिर कुल्लुहा, जिहाद भी और बाकी सारी नेकियां भी, इन दल अमर बिल मारूफ वनहि अनिल मुनकर, सारे एक पास तरफ रखो, जिहाद सारी नेकियां, नमाज, रोजे, हज, और ये अमल जो है कि बुराई नहीं होने देंगे और नेकी का हुक्म देंगे, ये एक तरफ रखो। कहते हैं बिल्कुल वो सारी नेकियां और जिहाद इसके मुकाबले में ऐसा है कि नफसा तनफी बहरे लुजी, जैसे एक बड़े वसी समुंदर में फूंक मारो, वो फूंक है ये समुंदर, ये बचाता है उम्मतों को। जब ये आंखें बंद कर लेते हैं कि हमें क्या, हम अपने आप को नेक करें, बर्बादी हो जाए। और इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह कुछ लोगों के बुरा काम करने से दूसरों को सजा नहीं देता, मगर जब ये हालत होती है ना, हम करते हैं और दूसरे खामोश रहते हैं, रोकते नहीं, फिर अल्लाह तआला अज़ाब खासा फिर सबको रगड़ देता, फिर वह मुझे नहीं बचती। वो जो जाहिद आबद होते हैं ना, उनको भी सजा मिलती, बल्कि ज्यादा। हदीसे पाक में आता अल्लाह ने जिब्रील अलैहि सलाम को भेजा कि जाओ फलां बस्ती का तख्ता उठो, बर्बाद कर दो। अब उन फरिश्तों ने कहा लाए वहां एक ऐसा दरवेश नजर आया आबिद कि हमें उसके अमार नामा में कोई गुनाह नहीं करा, वो इबादत नहीं, उसकी उम्र गुजरी। अल्लाह ताला ने फरमाया जिस हिस्सा है जमीन पर यह है बैठा ना, पहले इसको उठो, तबाह करो, सारी दुनिया बर्बाद होगी, ये हुजरे में बैठा रहा, इसके चेहरे पर शिकन नहीं आई, इसको कभी ये गैरत नहीं आई कि अल्लाह के दीन की बर्बादी हो रही है, ये बाहर निकलता रोता चला, कोई मानता ना मानता, इसने कभी इस बारे में कोई हमीयत नहीं दिखाई, गैरत नहीं दिखाई, बेगैरत होकर बैठा रहा, इसलिए पहले इस हिस्सा को तबाह कर। तो अल्लाह मुसलहीन चाहता है कि इसलाह करने वाले लोग खुद अपने आप को नेक ना बनाए, बल्कि महकमा सेहत की तरह दूसरों को भी बीमारियों से बचाने की कोशिश करें।